कोई यहाँ हमको कोई रोक नहीं है सर, यहाँ बैठने करना है, आपको यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ये क्षेत्र की समस्या और वास्तव में आप खुद कहीं भी देखिए बता रहे हैं ना कि हमारे साथ पिछले बार जो आंदोलन में थे वो लोग ही बहने हमारे सभी के सामने शांति बनाए रखे। मतलब ऐसे हवे बाजी में ज्ञापन ले लो, ज्ञापन ज्ञापन तो बरसों से दे रहे, कार्रवाई क्या होती है? हर मुद्दे हर बार सर, ये तो आंदोलन करने के तुरंत बाद बता दिया था कि मैं सेतु निर्माण विभाग को हमने भेज दिया प्रपोजल, लेकिन आज दिनांक तक क्या हुआ उससे? रास्ता बना देते, आवक जावक की आती, मरीज निकल जाए, कुछ तो करते। हम ये नहीं बोले कि 100 करोड़ का बना दो वहाँ पे पुलिया। वो खनिज मत में पैसा रखा है ना, अभी वहाँ से निकालो तुरंत। वो प्रभारी मंत्री वगैरह सब आते ही है, ऐसा है, हवा है, हमको मालूम है कहाँ कितना बजट है। दाना का क्या हाल है? शांति बनाए रखो, शांत रहो। राजा भैया, आप तो निवेदन है, सात लोग गांव के लोगों से बात करें, हम गांव के लोगों से उनके साथ में बिल्कुल। लोग उपस्थित है, हम उनके साथ में है, यहाँ के लोग कब तक बैठेंगे, हम कब तक बैठने पर हम तो तैयार है। हम वहाँ के मौजूद जी से निवेदन है कि आप गाँव वालों से ही बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाकी लोग बैठ जाइए यार, बैठ जाइए अपनी जगह। बैठना में नीचे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, गर्मी हो रही है, आप लोग इधर से भी बैठ जाइए। अरे चलो, आप लोगों को भी बताया जाएगा क्या होगा। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। हाँ सर, नहीं आयो आगरा आगे पकड़ लो। तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दे के पैसे तो सर मर रहे हैं। बैठे बैठे बता, नीचे बैठ के बता। संपाजी साथी गलत सताइए आप बुजुर्ग ब्लॉक अगले बार भी और मौका पड़ेगा, फिर आप बोलोगे क्या यार बोलेंगे, और अगला कोई और अधिकारी आएगा बोलेगा यार।
किसी का नाम नहीं लो तो बात आप सभी लोग आएंगे ठीक है। हमारे गांव के बुजुर्ग सामने आ गए हमारी तो मजबूरी है सर खड़े रहना हमारा अपने साथ खड़े मैसेज तो उनको जानकारी है सर चार चार बार ज्ञापन माननीय सीएम साहब को जो हमने दिया है तो चार बार सीएम साहब कुंड में दिया पानी में भी दिया गाँव के लोगों को मतलब बता रहे हैं ये कह रहे हैं हमारी आप आगे 10 मिनट उनको बोल दे कि कैसा है हाँ, ये है मामला है और मैं उस पर सतत मॉनिटरिंग कर रहा हूँ आप उसके बाद बाबा भुवन सिंह मांडी की कम इनके हर बार यौन थोड़ी मुख्यमंत्री को जरूरत रहेगी ना तो ड्राइवर का पैसा दुनिया भर में राजगढ़ में सड़कें पुल बन जाए राजगढ़ में सब हो जाता है प्रैक्टिकली देखा है सर हमने विरोध करा और उसका परिणाम आया कि तुरंत रातों रात सड़कें चकाचक हो जा रही है हेलो हेलो यहाँ एसपी साहब बैठे हैं परिचर्चा कर रहे हैं आप कृपया कर शांति बना लेते हैं जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक यही बैठे 24 घंटे में पुल बना भैया शांति बनाए रखे सर Thank you.
पीछे खसक जाओ ना, पीछे खसक जाओ थोड़ा। अभी जो भी डिसीजन आएगा यहाँ पर आप लोगों के बीच रखा जाएगा, हाँ या ना का, लेकिन आप शांति बनाए रखें। आप सभी लोग बैठ जाइए, इस आंदोलन को आपको सफल बनाना है, किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। सभी लोग यहाँ पर युवा और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित है, हमारी आवाज़ हमारे सबकी आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। जवाहर जिंदाबाद। शांति बनाए रहते हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग उनसे बात कर रहे हैं, अयोध्या साहब से हार नहीं मानेंगे, अपन हार नहीं मानेंगे। बारिश में दो चार दस जाएंगे। एसडीएम से क्या बात कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को बुलाओ।
सर को साइड ले जाएंगे ना नदी में क्रॉस करके देखेंगे वो भी तो हम कितने परेशान होते हैं। आज ही जाना था तो उनसे छुट्टी है। उनकी बात धन्यवाद आने जाने वालों को तो आई है।
वालों को पता है, पिछली बार वो देखा होगा दयाराम माना बैलगाड़ी से देखा भैया सब लोग शांति बनाए रहता यार, ये फिर खड़े हो गए सब इधर से बैठ जा बैठ जा Thank you.
नहीं वो चीज समझ रहे हैं लेकिन जो पिछले साल भी बैठे थे सब कुछ नहीं हुआ। हाँ तो सर गाँव के लोग इतने सर कलेक्टर महोदय आ जाते तो बैठ होता अभी इन लोगों से सर में बात कर ले रहा हूँ। हेलो हेलो साथियों, आज मुझे इस महान आंदोलन में संबोधन करने के लिए बुलाया गया। साथियों, संबोधन करने से पहले हम जोर जोर नारे लगाएंगे। आवाज तो मुख्य अधिकारी यहाँ उठना रहना आवाज तो सभी क्रांतिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए सभी को मेरा इस मनीष पांडे जय ब्लॉक अध्यक्ष बैतूल की ओर से सेवा जो आ रहे वंदन है। साथियों, आज इस महाआंदोलन में जो हम ज्ञापन देने वाले हैं पिछले साल दिया था लेकिन ज्ञापन और आवेदन निवेदन से काम होने वाला नहीं। साथियों, आपको पता है जब कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कहीं भी उनका दौरा और या क्षेत्र में कहीं जाते हैं उनकी सभाएं होती है रातों रात पुलिया बन जाती है, रातों रात रोड बन जाती है। आपने देखा हो कि दिल्ली में जो काला कानून जो आया था किसानों के लिए उसका इतना जोर विरोध हुआ जब तक दिल्ली के वो हमारे जो किसान भाई नहीं गए तब तक वापस कानून वापस नहीं लिया गया। ऐसा ही आप लोगों को भी यहाँ पर जब तक पुलिया नहीं बनेंगे जब तक डटे रहना है। और मुझे लगता है यहाँ के जो नेता है ना मध्य प्रदेश के उन्हीं की भाषा यहाँ के जो अधिकारी लोग सीख हैं बहुत आवेदन निवेदन करते हैं हाँ हो जाएगा आश्वासन देते हैं लेकिन अब आश्वासन से काम चलेगा क्या चलेगा क्या? आप तैयार हैं लड़ने के लिए? साथियों, ऐसे ही आप हमारे साथ में बने रहे और जब तक यहाँ पर सक्षम अधिकारी नहीं आता और हमें काम चालू नहीं करवाता हम नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, खाने और पीने की पूरी व्यवस्था है, ठीक है, बोल दिया है। और आज हमने जो जितने हमारे जो बिंदु है हम फिर से इस बात पे चर्चा करेंगे। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फिर हम हमारी बात को रखेंगे, ठीक है। 10 बिंदु है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप गौर सुनिएगा। और जितने भी आइट साइड भाई लोग खड़े बाकी सभी लोग बैठ जाए, व्यवस्था बनाए, हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं और अनुशासन में चलते हैं। हमारे 10 बिंदु है जिसमें पहला बिंदु ग्राम बोर्ड रैयत से बोलीडाला पहुंच मार्ग में स्थित भागी नदी पर रफ्तार साफ पुलिया निर्माण किया जाएगा। दूसरा ग्राम आलमगढ़ में आलमगढ़ से सेवल ढोल पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य। ग्राम नवाशरी से बहुकाल तक सड़क निर्माण कार्य पुलिया निर्माण कार्य किया जाए। ग्राम टांगना माल से बिजली मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य किया जाए। माँ चंडी दरबार गोदना से दूधिया पहुंच मार्ग सड़क निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाए। ग्राम सिंगार चौड़ी से
मोतीपुर एवं मोतीपुर से बांडवा पोत मार्ग सड़क निर्माण कार्य किया जाए। ग्राम चिलापाटला से मोतीराना पोत मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य। सभी लोग शांति बनाए रखे, इस आंदोलन को सफल बनाना है, ठीक है, और कोई भी गाड़ी जाना नहीं दे इधर से उधर। उसके बाद आठवां बिंदु है ग्राम बोलियाल खापा में बिजली की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए बिजली पहुंचाई जाए एवं सड़क निर्माण कार्य किए जाए। नौवां है ग्राम चिरापाटला समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं उचित दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, जाना आवश्यक है। दसवां है बैतूल इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम गौल उच्चोपान पहुंच मार्ग पर निर्माण कार्य किया जाए। ग्यारहवां है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आवासीय पट्टों का शीघ्र अति शीघ्र वितरण किया जाना आवश्यक है। ये हमारी मुख्य मुख्य मांगे हैं। साथियों मैं बताता हूँ कि हमें जो प्रदेश की साथियों हमारे जितने भी उधर क्या हो रहा है, थोड़ा शांति बना रखे और कोई गाड़ी ना सकती है जारी हो रहे रोके है ना, नहीं तो फिर उलगुलान हो जाएगा। मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो व्यवस्था है, तभी उनको तो गाड़ी उधर रोक दिया जाए, इधर जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। प्रशासन तो पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभाले, बार बार बोल रहा हूँ कोई गाड़ी उधर आएगी फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। साथियों आज हम यहाँ क्यों बैठे पता है आपको? मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी और अन्य सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इनको जगाने के लिए आप तैयार हो? इनकी इनको नींद उन्हें जगाना पड़ेगा और जगा के इनको भगाना पड़ेगा। जब तक हमको यही भगेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे रहेंगे। साथियों ऐसी हमारी बहुत सी समस्या है और प्रदेश की सरकार बोलती है कि आजादी के 76 वर्ष बाद आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना चाहिए। अरे बोल रही है पहले क्या आजादी का अमृत महोत्सव, 76 वर्ष हो गए लेकिन आज तक रोड नहीं बनी, तो उनके अमृत महोत्सव है क्या? जिले में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर आजादी के बाद भी अभी हमारी तक सड़क नहीं बनी है। उसके कारण पिछले साल आंदोलन किया और हमारे भूतपूर्व सरपंच उसी नदी में बह गए, इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी उनको उठाना चाहिए, लेकिन नहीं। आज भी प्रदेश की सरकार घूमी और बहरी आज भी घर में सोई है, तो इसी सरकार को आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब हम सब मिलकर देंगे। साथियों जब जब अत्याचार शोषण होता है हमेशा जयस आपके साथ में खड़ा रहता है, तो आप ऐसे संगठन में साथ होंगे कि नहीं? जोर से बोलो कि मुझे जोर से बैठेंगे संगठन। साथियों हमारे बीच बहुत से वक्ता लोग हैं जिन जिनको अपनी बात रखना है, सब लोग रखेंगे, बस मैं इतना ही बात रखूंगा। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।